तो फाइनली गाइस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पिछले शुक्रवार यानी कि 27 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान की फिल्म देवरा। और दोस्तों, देवरा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक जो इतिहास रचा है, बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई की है वो शानदार है, काबिले तारीफ है, फिल्म को सुपरहिट करवाने के लिए काफी है। दोस्तों, जब देवरा फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि फिल्म को मिले जुले रिव्यू मिले थे। हालांकि उसका असर भी हमें देखने को मिला, क्योंकि फिल्म का जो वीकेंड रहा था अपने पहले यानी कि अपने शुरुआती 3 दिनों का, उसके बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वो धमाल नहीं मचाया जो कि शुरुआती दिनों में इस फिल्म ने मचाया था। 172 करोड़ रुपए की फिल्म ने ओपनिंग भी ली थी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी 6वीं नंबर की ओपनिंग है। लेकिन फिर भी अभी भी यह फिल्म बेहतर और बेहतर कर रही है। फिल्म ने सिनेमाघरों में 7 दिन यानी कि 1 वीक फिल्म का पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में आ चुकी है, यानी कि फिल्म का आज दूसरा फ्राइडे है, तो फिल्म का आज 8वां दिन है। तो बात करेंगे इस वीडियो में, देवरा फिल्म अपने पहले 7 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम सभी भाषाओं की बात करेंगे, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है, और दोस्तों आज अपने 8वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है और फिल्म की 8 दिनों की टोटल कमाई कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले, अगर आपको भी देवरा फिल्म पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म देवरा की, तो देवरा फिल्म की मैं जितनी तारीफें करूं कम है। फिल्म का बीजीएम कमाल का था, उसके अलावा फिल्म में जूनियर एनटीआर का एक्शन, सैफ अली खान की एक्टिंग और सैफ अली खान का एक्शन कमाल का था। हालांकि फिल्म की कहानी उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, लेकिन बहरहाल अगर कहे तो आप अगर इस फिल्म को एक बार देखने के लिए जाएंगे तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। लेकिन देवरा फिल्म की अगर मैं बात करूं तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी थी जिसको इंडिया के अंदर 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में ये फिल्म रिलीज हुई थी। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि कोराताला शिवा के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी, जिसमें हमें जूनियर एनटीआर के साथ सैफ अली खान, जानवी कपूर, श्रुति मराठे, प्रकाश राज और श्रीकांत जैसे बड़े सितारे अहम किरदार में नजर आए थे। और दोस्तों फिल्म का जो बजट था, बजट भी काफी था, फिल्म का उतना ज्यादा भी नहीं था, लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए के बजट में ये फिल्म बनी थी। लेकिन अगर मैं बात करूं फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, तो अपने पहले दिन जब ओपनिंग डे पर ये फिल्म रिलीज हुई थी 27 सितंबर को, तो फिल्म ने 172 करोड़ रुपए पूरे इंडिया से पूरे वर्ल्ड से दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस कलेक्शन किया था 172 करोड़ का। उसके बाद फिल्म का जो 3 दिनों का वीकेंड था, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो वो भी शानदार रहा था। तो फिल्म ने 3 दिनों में 165 करोड़ 95 लाख रुपए इंडिया से नेट कमा लिए थे, तो वहीं फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड कमाई थी वो 304 करोड़ रुपए की थी। चौथे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 13 करोड़ 80 लाख रुपए का। पांचवें दिन फिल्म ने कमाए थे 14 करोड़ 60 लाख रुपए। और दोस्तों छठवें दिन फिल्म की कमाई थी 23 करोड़ रुपए की। और अपने पहले 6 दिनों में फिल्म देवरा 396 करोड़ ऑफिशियली अपने पहले 6 दिनों में 396 करोड़ रुपए फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कमा चुकी थी। उसके बाद 7वां दिन रहा फिल्म का 8 करोड़ 10 लाख रुपए का। जी दोस्तों, काफी गिरावट हमें देखने को मिली 7वें दिन, यानी कि आधे से भी कम पे आ गया कलेक्शन, क्योंकि 2 अक्टूबर को तो छुट्टी का दिन था, लेकिन कल 3 अक्टूबर को फिल्म ने कमाए 8 करोड़ 10 लाख रुपए। तेलुगु भाषा में फिल्म का कलेक्शन रहा 5 करोड़ रुपए, हिंदी भाषा में फिल्म ने कमाए 2.5 करोड़ रुपए, तमिल भाषा में फिल्म ने कमाए 35 लाख रुपए और कन्नड़ा लैंग्वेज में फिल्म ने कमाए 15 लाख रुपए, मलयालम भाषा में फिल्म ने कमाए 10 लाख रुपए। तो इस तरह से फिल्म का जो 7वां दिन रहा वो रहा 8 करोड़ 10 लाख रुपए का। अब 7 दिनों में फिल्म देवरा पूरे इंडिया के अंदर सभी भाषाओं में, 7 दिनों की टोटल कमाई बता रहा हूं सभी भाषाओं की, वो है भैया 225 करोड़ 45 लाख रुपए। तेलुगु भाषा में फिल्म ने कमा लिए हैं 169 करोड़ 3 लाख रुपए, हिंदी भाषा में फिल्म ने कमा लिए हैं 48 करोड़ 37 लाख रुपए, तमिल भाषा में फिल्म का कलेक्शन हो चुका है 4 करोड़ 70 लाख रुपए, कन्नड़ा भाषा में फिल्म ने कमा लिए हैं 1 करोड़ 70 लाख रुपए, मलयालम भाषा में फिल्म ने कमा लिए हैं 1 करोड़ 40 लाख रुपए।
तो इस तरह से 7 दिनों में फिल्म ने 225 करोड़ 45 लाख रुपए इंडिया से नेट कमा लिए हैं। वहीं फिल्म का जो इंडिया के अंदर ग्रॉस कलेक्शन है वो 270 करोड़ रुपए हो चुका है। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए हैं 140 करोड़ रुपए और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में अपने पहले 7 दिनों में फिल्म देवरा 410 करोड़ रुपए कर चुकी है। अब दोस्तों आज फिल्म का 8वां दिन है यानी कि दूसरा फ्राइडे, तो दोस्तों 8.5 करोड़ रुपए ये फिल्म आज भी कमा रही है और फिल्म की 8 दिनों की टोटल कमाई 234 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो जाएगी। तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 425 करोड़ रुपए कर रही है और दोस्तों ऑफिशियली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों आपको कैसी लगी थी फिल्म देवरा कमेंट में जरूर बताइएगा।